गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 3। रात ब्लॉग का एड इसलिए नहीं कर पाया, रात बहुत तगड़ा सीन हमारे साथ हो गया। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। और रात भी हम मुंसियारी नहीं पहुँच पाए, एक्चुअल में बाइक हो गई पंचर। दोनों बाइकें हमारी रॉयल इनफील्ड भी और मेरी छोटी बाइक भी पंचर हो गई, तो हमको कम से कम 25 किलोमीटर खींचना पड़ा। और 25 किलोमीटर खींचने में हम आकर रुके हैं एक गांव है, ये गांव है क्विटी करके गांव है, इसके अंदर आकर रुके हैं। तो आगे जा भी नहीं पाए क्योंकि रात ट्यूब ही नहीं मिल पाई बाइक के टायर की, और अब सुबह ट्यूब आएगी तब यहाँ से हम निकलेंगे, एक दिन हमारा वेस्ट होगा। तो यहाँ पर एक बात लॉज है तो उसमें हम रुके थे, और ये होटल के बाहर लॉज के बाहर का व्यू है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बाइक का हाल दिखाता हूँ, क्या हाल हुआ है। सुबह सुबह चाय हमारी आ गई है, चाय देखिएगा। क्विटी को बाय करते हैं, मुंसियारी के लिए निकलते हैं। चलो आ जाओ। ये वो हॉस्पिटल है सुबह रात को जिसमें से मैंने दवाई ली थी, और रात को भी इंजेक्शन लगवाया था यहाँ पर। रात को बुरा हाल हो चुका था मेरा। 40 किलोमीटर यहाँ से मुंसियारी है, 45 किलोमीटर, तो लगभग एक घंटा दो घंटे तो लगेंगे हमको वहाँ पहुँचने में। मैं तो कहूँगा कि अगर आप राइडिंग के लिए आएँ तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आएँ। हम एक्चुअल में पंचर किट लेकर आना भूल गए, और हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम कंप्रेसर भी नहीं लेकर आए। ये देखिएगा व्यू, देखिएगा क्या मजा है। सामने तक का सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा क्या अच्छा नज़ारा। रास्ता जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। ये तो देखिए अल्टीमेट है एकदम, ये तो देखना चाहिए आपको। और मैं आपकी वजह से ही मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि आप नज़ारे का आनंद ले सकें। और वहाँ वो शायद सामने, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में, तो सामने वो वाटरफॉल है, और शायद हम उसी के पास से रास्ते में से जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। बहुत मजा है, बहुत। रास्ता तो बड़ा अल्टीमेट है, पहाड़ के चारों तरफ से घूम के जा रहे हैं। ये
ये ऑफ रोड है, चलिए अब थोड़ा सा रुक जाते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत सारे राइडर आते होंगे लेकिन कुछ राइडर आपको मुंसियारी आते होंगे, मुंसियारी की बहुत सारी अपनी वीडियो भी देखी होंगी, लेकिन आपने कभी इसको देखा? बिट्टी फॉल है, मुंसियारी से जस्ट 35 किलोमीटर पहले है और ये वाटरफॉल देखिएगा कितना ज़बरदस्त है, बहुत अल्टीमेट वाटरफॉल है। किताबों में ऐसी कुछ वीडियो होगा आप लोग जब घूमने आए बिट्टी फॉल पर तो आप इनसे मिलिए, इनका यहाँ मैगी पॉइंट है, सुरेंद्र सिंह भुटियाल हैं भैया, इनके यहाँ पर मैगी, चाय, कॉफ़ी, लेमन टी और क्या कह रहे थे भैया, नींबू पानी सब मिलेगा आपको और नीचे से सस्ते रेट में मिलेगा। आप ज़रूर आइए, ये भैया हैं, इनसे ज़रूर मिलिएगा। ये वाटरफॉल पर, बिल्कुल वाटरफॉल पर ही इनकी स्टॉल है, छोटा सा एक दुकान है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इनकी दुकान है और मैंने अभी लेमन टी पी है, यहाँ पर बहुत अच्छी लेमन टी थी।
वहां लगाओ यहाँ साइड में आ जाओ। आप देखिएगा, अब आपको दिखाता हूँ मैं जादू। ये पूरा हिमालय है और अब देखो मेरे पीछे बर्फ कितनी है। मैं आपको बर्फ दिखाता हूँ और ये पूरा हिमालयन पंचचूली पर्वत वगैरह। बर्फ का आनंद लीजिए। मुंसियारी से 10 किलोमीटर पहले है। मुंसियारी से 10 किलोमीटर पहले ही हम लोग बर्फ का हाल देखेंगे। कितना बढ़िया बर्फ, अच्छा खासा। एक चीज और आपको अब दिखाता हूँ मैं आपको पंचचूली पर्वत के रेंज। ये देखिए, इतनी देर की मौज मस्ती के बाद अब निकल चुके हैं मुंसियारी की तरफ। मुंसियारी सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया यहाँ से। दोनों तरफ रास्ते के बर्फ देखिए कितनी भयंकर है। नंदा देवी टेंपल के लिए रास्ता, नंदा देवी 1 किलोमीटर। कितनी ऑफ रोडिंग है देखिएगा। नंदा देवी के लिए बहुत अच्छे से ऑफ रोडिंग है। छोटी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग भी है, क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा बेकार रास्ता। नंदा देवी के लिए जा रहे हैं हम लोग।
लाइट परफॉर्मेंस इसकी देखते हैं कैसी है, देखते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस कैसी है इसकी। अभी हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे, ये लोग आते नहीं है, इतने सिलो सिलो आते हैं बहुत। रास्ता नंदा देवी पर्वत घूम, नंदा देवी सॉरी टेंपल घूम कर आए हैं हम लोग। मंदिर तो बंद हो गया था, बस ऐसे ही राउंड मार कर आ गए। बाकी अच्छी जगह है, सही है, शांति से आओ, बैठो, पिकनिक मनाओ।